आप इस झुमके को पहचानते हैं? ये आपकी वाइफ दिव्या का झुमका है जो उन्होंने पिया को बचपन में दिया था। क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं कहानियां बना रहा हूं? निशांत जी, मैं इस परिवार को बरसों से जानता हूं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलेंगे। गुड़िया कहां है? उसे मोहना ले गई है, पता नहीं कहां। मोहना? वो डायन? ओह माय गॉड, अगर गुड़िया मोहना के कब्जे में है तो उसका मतलब उसकी जान खतरे में है। सिर्फ पिया की जान ही नहीं, आदि की जान भी खतरे में है। मोहना ने कहा था कि वो मुझे और प्रिया को मिलने नहीं देगी ताकि आदि वापस लौट ही ना पाए। पर गुड़िया और तुम मिल ना पाओ, इसके लिए वो गुड़िया को मारने की कोशिश जरूर करेगी। बल्कि उसने वो कोशिश शुरू कर दी है क्योंकि आदित्य गायब हो रहा है। आदि, आदि, अभी मुन्ना पूरा गायब हो गया तो? नहीं, पापा प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, मेरे आदि को बचा लीजिए प्लीज। आदित्य को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, गुड़िया को बचाना होगा। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना कि पिया कहाँ है इस वक्त। हाँ, और इतने कम समय में हम पिया को ढूंढेंगे कैसे? मैं जानता हूँ कैसे। इस इंतजार का फल बहुत मीठा होने वाला है। कुछ ही पलों में अंश और पिया की प्रेम कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और इसी कहानी के साथ साथ मेरे अंत मुन्ने का भी अंत हो जाएगा। हे भगवान, लगता है पिया बहुत बड़े खतरे में है, तभी तो मुन्ना इतनी तेजी से गायब हो रहा है। भाभी, अगर पिया को कुछ हो गया तो हम सिर्फ पिया को ही नहीं मुन्ना को भी खो देंगे। नहीं, वो भी हमेशा के लिए। कुछ कीजिए ना। नहीं, वैदेशी भगवान पे भरोसा, अंश और निशान जी गए हैं ना, वो लोग पिया को जरूर ढूंढने गए और उस डैन की कैद से उसे छुड़ा भी ले। लेकिन मुन्ना क्या करेंगे तब तक? ये जुगनू हमें पिया तक पहुंचाएंगे। चलिए। पेड़ पिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्योंकि मैं एक एकाएन हूं। पेड़, मैं तुझे हुक्म देती हूं, मेरे रास्ते से हट जा, हट जा। पिया और चांद के बीच में से हट जा, हट जा, हट जा मेरे रास्ते से। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा।
अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मतलब यहां कोई और भी है। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ पापा? मोना ने हिम केतकी का प्रयोग करके कुड़िया को हिम बंधक स्पेल में बांध दिया, जैसे ही चांद कुड़िया के सर के ऊपर पूरी तरह आ जाएगा, गुड़िया हमेशा के लिए बर्फ की बन जाएगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं आज, हमें उसे वहां से हटाना होगा। अभी क्या, अभी कमा रीवावंशी जी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। पीछे हट जाओ मोना। मैं तो डर गई। हंस, तुम जाओ गुड़िया को बचा लो, इससे पहले कि चांद उसके सर के ऊपर आ जाए। तुम्हें उसे वहां से हटाना ही होगा। जाओ हंस। लेकिन पापा आप? मेरी फिक्र मत करो, इस डायन के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। लेकिन याद है, किसी चांदी की बनी चीज से ही वो हिम बंधक स्पेल टूट सकता है। अब जाओ। हाँ अंश, जल्दी जाओ, एक आखिरी कोशिश करके देख लो, क्योंकि तुम्हारी बीवी बहुत जल्द मरने वाली है। नहीं अंश, इसकी बातों में मत आओ। तुम प्लीज जाओ और गुड़िया को बचा लो। जाओ अंश प्लीज। मुझे देख के तो बहुत हैरानी हो रही होगी आपको, है ना? आप ये सोच रहे होंगे कि दिव्या के मंत्रों के पहरे के बावजूद मैं बांदाप के मंदिर से बाहर कैसे आ गई? जब दिव्या मुझसे नहीं बच सकी तो उसके मंत्र क्या चीज है? ये तुम्हारी गलत फहमी है मोना, कि तुम वहां से आजाद होकर आई हो। तुम्हारी मौत तुम्हें वहां से बाहर खींच लाई है। अच्छा। और जो तुमने मेरी पत्नी दिव्या और मेरी बच्ची गुड़िया के साथ किया, उसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। अपने किए की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ मोना। ठीक है, आप भी कोशिश कर लीजिए। जैसे ही रात होगी और चांद अपने चरम पर होगा, तुम पूरी तरह जम जाओगी। नहीं भैया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज मृत्यु का विषाद, हर दिशा से अंधकार आएंगे।
अंधकार आएंगे, अंधकार आएंगे। शूल की समूल की बचेगी दूध की बेचैनियाँ, नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे। बिना मुड़े बिना रुके बिना सोचे बिना समझे युद्ध के मैदान में उतर जा तू बिना डरे। मैं ओझल अब राह सब सत्य के संघर्ष तले, छिड़ी है जंग धर्म की अधर्मी उल्टे पड़ चले। तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर। से मुक्त करो। लेकिन याद है, किसी चांदी की बनी चीज से ही वो हिम बंधक स्पेल टूट सकता है। पापा ने कहा था कि किसी सिल्वर की चीज से टच करूंगा तो बंधन टूट जाएगा। आपके हथियार दोनों बुढ़े हो चुके हैं रीवा वंशी जी। मेरे जैसी शक्तिशाली डायन का मुकाबला करना अब आपकी बस की बात नहीं रही। अब इससे बच सको तो बच लो। अच्छा, तो एक बार और कोशिश करनी है। ठीक है, करके देख लीजिए। भैया तो रहो मुझसे। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम अंश... डायन के साथ हो ना? नहीं नहीं पिया, मैं अंश हूँ, तुम्हारा अंश। मैं किसी अंश को नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानती। पिया, तुम तू रहो। तुम जानती हो मुझे, बस तुम्हें याद नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे एक मिनट। चुमके को जो होगी ना तुम्हें सब याद आ जाएगा। प्लीज एक बार मेरे लिए चुलो। प्लीज आई रिक्वेस्ट।
थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए और तुम्हें सब याद आ गया। बस अब हमें आदि को बचाना है। आदि? कौन आदि? क्या हुआ मोना? उम्मीद है अब तुम्हारी गलत फहमी दूर हो गई होगी। इसे अपनी जीत समझने की गलती मत कर बैठिएगा रीवावंशी जी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपको पता भी नहीं आपकी बेटी कितने बड़े खतरे में है। तुम अपनी चिंता करो मोना, क्योंकि मेरी गुड़िया के साथ अंश है। अंश? आपका मतलब दावंश अंश, मेरा बेटा? आपको लगता है एक टायन का बेटा तैविक को बचाएगा? आपकी बेटी को सबसे बड़ा खतरा अंश से ही है। इस रीवावंशी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे इस पाताल के इतनी जाल से निकलना होगा। एक बार मैं यहां से निकल जाऊं फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ दिल? क्या हुआ अंश? कौन हो तुम? पिया कहाँ है? नहीं तो तुम्हारी पिया, तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ अंश। तुम मेरे पिया नहीं हो। बताओ, बताओ पिया कहाँ है? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं पिया नहीं हूँ? मैं पिया हूँ। मैंने जो कहा है वही करो। मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा दिल भर। मैं अपनी दिल भर के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ। अपनी पिया समझ लो। बताओ, बताओ पिया कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ दो उसे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।